हरे कृष्णा। ईशोपनिषद श्लोक संख्या 6। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। हरे कृष्णा। ईशावास्य उपनिषद का ये श्लोक 6 पूरे संसार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश प्रस्तुत करता है। पूरा संसार है अचंभित है कि क्यों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का द्वेष करता है, घृणा करता है, इसका कारण क्या है और इस घृणा को कैसे दूर करें समाज में से, व्यक्ति व्यक्ति के प्रति, राष्ट्र राष्ट्र के प्रति, एक समाज के दूसरे समाज के प्रति, एक धर्म के दूसरे धर्म के प्रति। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में, सामूहिक जीवन में, सब जगह हम देख सकते हैं, विशेष करके वर्तमान के समय में जिसको हम कलयुग कहते हैं, तो इसमें घृणा काफ़ी है और उसको दूर करने के लिए भी अनेक प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं, फिर भी वो सफल नहीं हो रहे। तो उपनिषद जो है, ईशावास्य उपनिषद है, प्रथम श्लोक से ही हमें ईश चेतना का विकास करने का मतलब मार्गदर्शन देता है कि सब वस्तु ईश्वर की है, उन्हीं से व्याप्त है, इसलिए व्यक्ति को उनके द्वारा दी गई अधिकार के अनुसार ही अब वस्तु को ग्रहण करना चाहे और दूसरों की जो वस्तुएं हैं उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहे, उसको लूटना नहीं चाहे। तो वर्तमान में लोग है ये इस भावना को भूल चुके हैं और उस इस भावना को भूल कर लोग ईश्वर विहीन राम राज्य की कल्पना करते हैं। राम राज्य के बारे में हमने रामायण से सुना है कि बहुत उत्कृष्ट कोटि का साम्राज्य था कि जहाँ पर सब जो प्रजा है सुख संपन्न थे, आर्थिक रूप तो संपन्न थे ही पर मानसिक रूप से भी सब है शांतिमय जीवन जीते थे, कोई ना ही अन्याय था, कोई नहीं झूठ था और सब लोग है राजा को प्रेम करते थे, राजा है सभी प्रजा को भी, नागरिकों को भी अपने पुत्र की भांति ही प्रेम करते थे। तो इस राम राज्य की परिकल्पना हमारे संविधान में भी रखी गई पर बाद में क्या हुआ कि लोग हैं उस राम राज्य के नाम पर कई प्रकार की राजनीति करने लगे, राम को भूल गए, सिर्फ राज्य की कामना करने लगे और ईश्वर विहीन नैतिक राज्य वो चाहते हैं जो कभी संभव नहीं हो पाएगा। शांति के बहुत सारे झूठे प्रयास पूरे विश्व भर में किए जाते हैं, जैसे कि पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद कुछ देशों ने मिलकर विचार किया कि पूरे संसार में शांति जरूरी है, अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो मनुष्य जीवन कैसे जिएंगे, तो इसीलिए एक संस्था की स्थापना की जाए और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की, संयुक्त राज्य। पर उस स्थापना के बाद भी देशों की संख्या बढ़ती गई, यानी कि युद्ध बने रहे, अभी भी युद्ध हो रहे, भविष्य में भी होते रहेंगे। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े नेता के द्वारा भी शांति के प्रयास किए गए, एक घृणा को दूर करने के प्रयास किए गए, फिर भी उसमें सफलता नहीं मिली, विफलता ही मिली है। तो ईशोपनिषद जो है हमें सदियों पहले कैसे व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, देश देश के बीच में जो घृणा है इसको दूर की जा सकती है उसका प्रायोगिक मार्गदर्शन देता है और इस सिद्धांत को व्यक्ति समझ लेता है तो इस घृणा को दूर किया जा सकता है। तो ये सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति है सब में एक ही जो आत्मा है, सब जीवों को आत्मा के रूप में देखता है और परमात्मा को सब जीवों में देखता है तो किसी भी व्यक्ति के से घृणा नहीं करता है। तो संसार में तीन प्रकार के धार्मिक लोग होते हैं, पहले जो है उनको हम कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं, दूसरे को मध्यम अधिकारी और तीसरे को
उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ मतलब सबसे निम्न स्तर है, मध्यम बीच वाला स्तर है और उत्तम सर्वोत्तम स्तर है। तो धार्मिक लोगों में तीन प्रकार के लोग होते हैं। तो ये तीनों की अलग अलग समझ संसार के बारे में, ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में होती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कनिष्ठ अधिकारी। तो एक कनिष्ठ अधिकारी उस व्यक्ति को कहते हैं कि जिनकी धर्म में श्रद्धा है, ईश्वर में श्रद्धा है, वो मंदिर जाता है, गिरजाघर जाता है या गुरुद्वारा जाएगा और वहाँ पर जाकर है ईश्वर को प्रणाम करेगा, उसकी इबादत करेगा, उनको प्रार्थना करेगा और इस प्रकार से कम उसकी ये धारणा है कि ईश्वर जो है यहाँ मंदिर में, गिरजाघर में या गुरुद्वारा में है। पर जैसे ही वो पूजा स्थल से बाहर निकलता है तब वो भूल जाता है कि ईश्वर और कहीं है और वो दूसरे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता है कि जो धर्म के अनुसार नहीं होता है। वो सिर्फ ये मानता है कि पूजा स्थल में ही ईश्वर है तो बाहर जाकर मैं भी कुछ भी जो करूँ तो उससे मेरी धार्मिक जो मान्यता है उससे कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा व्यक्ति ये भी नहीं समझ पाता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पर स्थित है, किसकी क्या क्या स्थिति है। संसार में सब लोग हैं एक समान नहीं हैं, सबकी चेतना में भिन्नता है, सबके आध्यात्मिक स्थितियों में भी भिन्नता है। तो ऐसा कनिष्ठ व्यक्ति वो जानता नहीं कि कौन व्यक्ति है भक्ति में बड़ा चढ़ा है, ईश्वर को ज़्यादा प्रेम करता है और कुछ व्यक्ति है ईश्वर को प्रेम नहीं करते। ऐसा भेद वो समझ नहीं पाता है क्योंकि उसकी श्रद्धा है सिर्फ मूर्ति तक सीमित होती है या गिरजाघर तक सीमित होती है, गुरुद्वारा तक सीमित होती है या मस्जिद तक सीमित होती है। और कभी कभी ऐसे लोग, ऐसे अनेक कनिष्ठ लोग जब इकट्ठे होते हैं तो लड़ते झगड़ते भी हैं। कहता है कि मेरी मान्यता तुम्हारी मान्यता से श्रेष्ठ है, मेरा ईश्वर तुम्हारे ईश्वर से श्रेष्ठ है। और ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति जो है वो ईश्वर को मानते हैं, उनके पीछे भी एक ही कारण होता है कि ईश्वर है, उनको मानने से हमें कुछ ना कुछ भौतिक लाभ मिलेगा, दुखों से मुक्ति मिलेगी, कुछ धन का लाभ मिलेगा। और इस प्रकार से ईश्वर के मानने के पीछे उनका जो तात्पर्य रहता है, उद्देश्य रहता है, वो भौतिक स्वार्थ रहता है। तो ये कनिष्ठ अधिकतर संसार में कनिष्ठ लोग हैं जो धार्मिक हैं। फिर दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे स्तर पर आते हैं मध्यम। मध्यम स्तर का जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि मूर्ति में उनकी श्रद्धा है, वो भी मंदिर जाता है, गिरजाघर जाता है, गुरुद्वारा जाता है, मस्जिद जाता है, ईश्वर को प्रणाम करता है, उनकी इबादत करता है, प्रार्थना करता है, यानी कि ईश्वर के प्रति कुछ अपना प्रेम भावना व्यक्त करने का प्रयास करता है। फिर जो अन्य लोग भी जो हैं, जो भी ईश्वर की ओर मुड़े हुए हैं, उनके साथ वो मैत्री करता है, उनके साथ बैठता है, बातें करता है, कुछ पढ़ता है। वो जानता है कि ये जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो सब ईश्वर को प्रेम करते हैं तो मुझे भी उस इन लोगों के साथ मैत्री करनी चाहिए, इनसे मैत्री करूँगा तो ईश्वर अधिक खुश होंगे। तो भगवान को प्रेम करने वाले लोगों से वो प्रेम करता है, जो भगवान को मानते हैं ऐसे लोगों के साथ सम्मानीय व्यवहार करता है। और जो लोग हैं अब ईश्वर को जानते नहीं, मानते नहीं या निर्दोष है, अबोध है, ईश्वर के बारे में कुछ अधिक ज्ञान नहीं है, तो उनके प्रति उनकी हृदय में करुणा उत्पन्न होती है, कृपा होती है और ऐसे लोगों को जाकर वो ईश्वर के बारे में बताता है, उनको पुस्तक देता है, उनको आमंत्रित करता है वहाँ पर प्रार्थना में आने के लिए। और जो लोग हैं नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानते हैं या जो भी धार्मिक क्रियाओं में नहीं लगे हुए हैं और ऐसे लोग यानी कि नास्तिक, तो ऐसे लोगों से वो दूर रहता है, उनकी उपेक्षा करता है क्योंकि वो जानता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ में मैं जाऊंगा, उनसे बात करूंगा तो निश्चित रूप से है कुछ ऐसी बातें वो करेगा कि जिससे मेरी श्रद्धा जो है तो वो उसके ऊपर आघात होगा और ऐसे लोगों के संग से मेरी जो श्रद्धा है ईश्वर में तो वो उसके ऊपर है कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न होगा। तो ऐसा संग है मेरी जो साधना है, भक्ति है, प्रार्थना है, उसमें विक्षेप उत्पन्न करेगा, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहे। तो इस प्रकार से वो चार प्रकार के लोग, भगवान में प्रेम रखता है, भक्त के प्रति मैत्री का भक्त भाव रखता है, अबोध व्यक्ति जो है उनके पर कृपा करता है और जो नास्तिक है
उनकी वो उपेक्षा करता है, यानी कि मध्यम अधिकारी ये ठीक ठीक से जानता है कि कैस किस प्रकार के व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। कनिष्ठ स्तर पर क्या होता है कि वो सिर्फ जो ईश्वर है, ईश्वर का जो स्थान है उसी को मानता है, भक्त के साथ वो व्यवहार नहीं करता है। उनको लगता है सब मेरे जैसे ही हैं और अबोध या नास्तिक सबके किसी के मतलब उसको भेद नहीं पता चलता है कि कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है कौन नास्तिक है। तो इसलिए ये स्थिति जो कनिष्ठ स्थिति है वो काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि उस स्थिति में ही लोग आपस में लड़ते हैं और अपने भौतिक स्वार्थ के लिए ही धर्म का पालन करते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। तो कनिष्ठ स्तर के लोग हैं संसार में उपद्रव या उत्पात अधिक मनाते हैं, धर्म के नाम पर ऐसी वो बातें करते हैं। पर मध्यम अधिकारी वो जानता है, मध्यम स्तर का जो है श्रद्धावान व्यक्ति वो जानता है कि ईश्वर एक है पर उनको मानने वाले अनेक लोग हैं, तो सबके प्रति हैं मुझे मैत्री का भाव रखना चाहे, और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनसे मुझे दूर रहना चाहे, और जो निर्दोष हैं अभी ईश्वर को जानते नहीं हैं उनके ऊपर कृपा करके मुझे इनको ईश्वर के बारे में बताना चाहे। अब इसके ऊपर हैं, ये दोनों स्तर के ऊपर हैं उत्तम स्तर का व्यक्ति, जिनकी ईश्वर में श्रद्धा है वो अटूट होती है, ईश्वर के बारे में उनका जो ज्ञान है वो भी पूर्ण है। कनिष्ठ व्यक्ति उनके उनको ईश्वर का अधिक कुछ ज्ञान नहीं है, उनकी श्रद्धा है परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। मध्यम अधिकारी है उनका विश्वास पक्का है, ईश्वर का ज्ञान भी है परंतु संपूर्ण ज्ञान नहीं है, अभी भी कई प्रकार की शंकाएं उनके मन में होती हैं। पर जो उत्तम स्तर का व्यक्ति होता है जिनकी श्रद्धा उत्तम प्रकार की है, वो व्यक्ति संसार की हर एक वस्तु को ईश्वर के संबंध में ही देखता है। जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि हरेक शरीर में वो आत्मा को देखता है और हरेक शरीर में वो परमात्मा की उपस्थिति को भी देखता है। तो प्रत्येक वस्तु को ईश्वर के संबंध में देखता है और ईश्वर की उपस्थिति को हर जगह पर देखता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवद गीता में 5वें अध्याय में 18वें श्लोक में बताया गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को पंडित बोला गया, पंडित यानी कि ऐसा नहीं किसी ब्राह्मण जो है या कुछ ग्रंथ पढ़ लिए, बल्कि पंडित वो व्यक्ति है विद्या से जिसमें विनय उत्पन्न हुआ है, वो व्यक्ति एक ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, कुत्ता या कुत्ते का मांस खाने वाला, ये विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं या प्राणी हैं उनके प्रति समान दृष्टि रखता है। समान दृष्टि का अर्थ है कि उन सबको वो जानता है कि एक ब्राह्मण है वो भी ईश्वर का अंश है, एक कुत्ता वो भी ईश्वर का अंश है। पर जो ब्राह्मण है उसने भगवान के द्वारा दी गई स्वतंत्रता का सदुपयोग किया और वो ईश्वर को जानता है, और जो कुत्ता है या कुत्ते का मांस खाने वाला है तो वो भी भगवान का अंश है पर वो भूल चुका है भगवान के द्वारा जो उसको स्वतंत्रता दी गई थी उसका उसने दुरुपयोग किया और अभी पशु के शरीर में है इसलिए पशु जैसा व्यवहार करता है। तो वो ठीक ठीक से जानता है कि जो भी विभिन्न प्रकार के जीव है वो सब ईश्वर के अंश हैं और इनका सबका ईश्वर के साथ संबंध है, तो इसलिए किसी के प्रति भी वो द्वेष भावना नहीं रखता है। क्योंकि द्वेष तभी होता है कि हम जब ईश्वर से भिन्न कुछ वस्तुओं को गिनते हैं। जब भी जैसे भी आप ईश्वर के साथ अपने संबंध को जानते हैं और ईश्वर का सब वस्तुओं के साथ संबंध जानते हैं तो उन पदार्थों के प्रति उन व्यक्तियों के प्रति आपकी घृणा नहीं रहेगी, इसलिए वो सब जीवों के आध्यात्मिक कल्याण में लगा रहता है। यानी कि वो चाहता है कि हर जीव है चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, कुत्ते के मांस खाने वाला चांडाल व्यक्ति हो, सभी का कल्याण हो, और वो जानता है कि सभी का कल्याण जो है वो आध्यात्मिक कल्याण से ही उनका कल्याण होगा। इसलिए वो प्रयास करता है कि ऐसे लोगों को ईश्वर के बारे में बताना चाहता है वो, और धीरे धीरे उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो प्रयास करता है, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही व्यक्ति ईश्वर को जान लेगा, उनके साथ अपने संबंध को जानेगा, तब वो है इस घृणा से मुक्त हो जाएगा, और घृणा से मुक्त होगा तभी उसके जीवन में शांति संभव होगी। क्योंकि जब तक घृणा बनी रहती है तब तक ईर्ष्या भी होती है, स्पर्धा भी होती है, एक दूसरे को टांग खींचने की
मतलब वृत्ति भी रहती हैं और आपस में झगड़े भी होते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति कैसे सुखी जीवन जी सकता है। पर जैसे वो ईश्वर को जानते तो सबके प्रति उसकी कृपा मैत्री ये भावना होगी और वास्तव में मानव समाज में मतलब भाईचारा बंधुत्व जो है वो संभव हो पाएगा। तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राज्य ने जो बंधुत्व के लिए प्रयास किया वो एक भौतिक स्तर पर था कि सबको हम समान कर देते, पर सब समान नहीं है, सब के अलग अलग विचारधाराएं हैं। पर जब ईश्वर को ग्रहण करेंगे तब उस दृष्टि से समान हो सकते हैं। तो उत्तम अधिकारी जो है वो बहुत दुर्लभ होता है, कनिष्ठ बहुत सारे हैं, कुछ लोग हैं मध्यम श्रद्धावान हैं, पर उत्तम श्रद्धा जिसकी है ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। और ऐसा कोई एक व्यक्ति भी है तो हजारों हजारों लाखों लोगों को वो ईश्वर तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वो ईश्वर के सबसे करीब है, क्योंकि उसके लिए कभी भी ईश्वर कोई भी स्थान में ईश्वर हमेशा विद्यमान है, हर एक व्यक्ति में विद्यमान है। तो उसकी जो दृष्टि है आध्यात्मिक दृष्टि है, वो भौतिक दृष्टि से संसार को नहीं देखता है। तो संसार में कुछ लोग हैं ऐसे उत्तम श्रद्धावान व्यक्ति की नकल भी करते हैं, जैसे कि परोपकारवादी हैं कि जो संसार में कुछ सेवा करना चाहते हैं लोगों की, उनको खिलाना चाहते हैं, उनको पढ़ाई करवाना चाहते हैं, उनके लिए कई प्रकार की भौतिक सुविधाएं उत्पन्न करना चाहते हैं। पर उनकी धारणा क्या होती है कि जो देह है वही आत्मा है, उसको कहते हैं देहात्म बुद्धि, यानी कि शरीर के लिए ये सब कुछ कर लिया तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे लोग दूसरों को मदद करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, बीमार है तो उनकी दवाइयाँ करते हैं, उनको कपड़े देते हैं, खाना देते हैं। तो इससे लोगों को लाभ तो होता है पर वो लाभ उनके शरीर तक ही सीमित होता है, और इसलिए लाभ देने वाला और लाभ लेने वाला दोनों देहात्म बुद्धि में बने रहते हैं, यानी कि वो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और वास्तव में आत्मा के स्तर पाने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए उनके लिए पुनः मृत्यु के बाद वापस जन्म होगा, और जब जन्म होगा तो वापस उनको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, बीमारी भी आएगी, तो वो ये जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं जानते हैं। क्षणिक उपाय वो करते हैं, और क्षणिक उपाय जब करते हैं तो समाज में उनका नाम हो जाता है, उनको पुरस्कार मिलता है, उनको प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो ऐसे लोग हैं समाज में जाने माने नेता बनते हैं, कभी कभी राजनीति में भी चले जाते हैं, और राजनीति के माध्यम से भी देश या समाज के कल्याण के कार्य करते रहते हैं। पर इन सब के जो लाभ हैं वो इसी संसार में शरीर तक ही सीमित होते हैं, मतलब कुछ काल तक ही वो लाभ दिखाई देते हैं, और वो लाभ भी हैं शरीर तक सीमित है, वास्तव में आत्मा को संतुष्ट करने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी जो मूल त्रुटि जो है, उनकी जो उत्तम अधिकारी की तरह नकल करने की जो भावना है कि सबका कल्याण करूं, पर वो जानते नहीं कि सबका कल्याण कैसे होगा। जब तक ईश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ा जाता मेरा या आपका या किसी का भी, तब तक उनके कल्याण के बारे में वास्तव में आप विचार रख ही नहीं सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी बीमारी में मदद करूँ, और मुझे पता है कि भाई बीमारी में कुछ दवाई देनी चाहिए, और मैं कुछ दवाइयाँ लेकर आता हूँ उसको दे देता हूँ, पर मुझे पता नहीं कि उनकी क्या बीमारी है और उसके लिए क्या दवाई है। तो कोई भी दवाई अगर उसको दे देता हो तो ऐसे इससे उनकी बीमारी ठीक नहीं होगी, बल्कि मुझे बीमारी भी जाननी पड़ेगी और फिर बीमारी का सही उपाय भी जानना पड़ेगा। तो संसार में जो कष्ट है उनका मूल कारण है कि जीव ईश्वर के साथ अपना जो संबंध है उसको खुल चुका है, ये बीमारी है। तो बीमारी का उपाय भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे जीव अपने संबंध को ईश्वर के साथ जाने। तो ईश्वर विहीन आध्यात्मिक ज्ञान से रहित जो समाज सेवा की जो भावना है, लोगों को मदद करने की जो भावना है, वो इस संसार में उसकी मान्यता होगी, समाज में लोग उसको मतलब प्रशंसित करेंगे, पुरस्कार मिलेगा, प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति की या संस्था की हो जाएगी, पर फिर भी मूल जो है समस्या वो तो वहीं के वहीं बने रहते हैं। उसका समाधान जब तक नहीं किया तब तक कभी भी ये संभव नहीं कि व्यक्ति स्वयं सेवा करने वाला और सेवा लेने वाला वो लाभान्वित नहीं होते हैं, क्योंकि लाभ सिर्फ शरीर के लिए हम कर रहे हैं, आत्मा का तो कुछ हमने किया ही नहीं।
जैसे कोई व्यक्ति है पानी में डूब रहा है, उसके घर वाले चिल्लाते हैं, आप पानी में कूदकर उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास करते हैं और अंत में उसका कोट पकड़कर उसको खींचते हैं और उसका कोट आपको हाथ में आ जाता है और घर वालों को आप देते हैं कि उस व्यक्ति को तो मैं नहीं बचा पाया पर इनका ये महंगा जो कोट है वो मैंने बचा लिया। तो क्या घर वाले उसके खुश होंगे? नहीं, क्योंकि व्यक्ति है महत्वपूर्ण है, उनका आवरण नहीं। तो उसी प्रकार से शरीर आवरण है, उनका भी ख्याल रखना आवश्यक है, पर आत्मा का ख्याल रखे बिना शरीर का जो ख्याल रखना है उससे एक भ्रम ही उत्पन्न होगा कि हम ख्याल रख रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, पर वास्तव में उपकार नहीं होता है। परोपकार चैतन्य महाप्रभु भी बताए, भारत भूमि तहल मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करी परोपकार। भारतवासियों का तो ये परम कर्तव्य है कि दूसरों के ऊपर परोपकार करे। तो परोपकार कैसे होगा? स्वयं अपना जीवन जो सार्थक करे इस आध्यात्मिक ज्ञान को, ईशोपनिषद के ज्ञान को जानकर, और दूसरों को भी इस ज्ञान के बारे में अवगत करें, तब वास्तव में वो सब कल्याण, सब प्रकार का कल्याण कर पाएंगे। तो लोग जो है वो भौतिक चेतना में हैं और इसलिए उनको भौतिक रूप से जब आप लाभ देते हैं तभी उनको लगता है कि हमारा कुछ लाभ हुआ है। पर भक्त जानता है कि चाहे जो मरीज है या दर्दी है जिसको रोग उत्पन्न है तो उसकी चॉइस के अनुसार नहीं दवा देनी है, पर उसके लिए जो आवश्यक है ऐसी दवा देनी चाहिए। मरीज को तो मीठी दवाई अच्छी लगेगी, कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगेगी, पर डॉक्टर जानता है कि इनको कड़वी दवा से ही फायदा होगा तो कड़वी दवा ही देगा। तो उसी प्रकार से उत्तम अधिकारी वो जानता है कि सभी जीवों का जो कल्याण है वो उनके आध्यात्मिक उन्नति से ही होगा, और जब आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास वो करता है और दूसरे लोग भी जब उसमें जुड़ते हैं और उनकी जब आध्यात्मिक उन्नति होती है तो वो संसार की जो भौतिक समस्या है उससे भी ऊपर उठ पाते हैं। क्योंकि हमारा मूल जो कारण है भौतिक समस्याओं का भी वो है हम ईश्वर को भूल चुके हैं। तो लोग हैं उनको हमें भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना तक लाना पड़ेगा। तो जिसमें यूनाइटेड नेशंस फेल हुआ, विफल रहा संयुक्त राज्य, उसमें उत्तम अधिकारी सफल होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनकी संस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी कि इस्कॉन, तो इसमें भांति भांति के धर्म के, जाति के, रंग के, वर्ण के जो लोग हैं रहकर अपना जीवन जीते हैं कृष्ण चेतनामय। तो यहाँ पर कोई भेद नहीं है कि तुम धनवान हो, तुम गरीब हो, तुम अमेरिकन हो, तुम भारतीय हो, तुम अंग्रेज हो, हम भारतीय है, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, सब लोग ये जानते हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं। तो इस चेतना का विकास है अति आवश्यक है, ईश्वर के साथ संबंध व्यक्ति का जोड़ना अति आवश्यक है, तभी है वास्तव में उनका कल्याण होगा। तो अनुपश्यति, यहाँ जो शब्द प्रयोग श्लोक में किया गया है कि वो ठीक से देखता है। तो जो वस्तुओं को सिर्फ बाह्य दृष्टि से देखता है, आंखों से सिर्फ देखता है, पर जिसने कभी कान से सुना नहीं, ये दिव्य कान नहीं सुना है, उनको आंखों से देखना भी अधूरा है। उनकी आंखें तो खुली हैं, आंखें देख भी सकते हैं, फिर भी वो लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि देखने की दृष्टि तो तभी आती है जब पहले हमें आध्यात्मिक ज्ञान है गुरु और शिष्य की परंपरा में सुना होता है। जैसे कि अर्जुन भी है, देख सकता था, पर जब भगवान ने उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया तब उसकी दृष्टि बदल गई। तो उसी प्रकार से देखना अनुपश्यति का अर्थ है अपनी आंखों से नहीं देखना है, पर प्रमाणित जो शास्त्र है उसकी दृष्टि से देखना, और उस प्रमाणित जो शास्त्रों को समझने का तरीका है भगवान से ही चलकर आ रही गुरु और शिष्य की जो परंपरा है उन्हीं के अनुसार इस वैदिक ज्ञान को समझना। क्योंकि वर्तमान में भी कई हिंदू जो श्रद्धावान हैं वो वैदिक ग्रंथों का अध्ययन तो शुरू कर देते हैं, पर कई लोगों ने इन वैदिक ग्रंथों का भी अप्रामाणित अनुवाद और उसके ऊपर टीकाएँ लिखी हैं, इसलिए लोग और भ्रमित हो जाते हैं। पहले तो भ्रम में थे ही, पर ग्रंथों को पढ़कर और उनका भ्रम बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण से ही चलकर आ रही गुरु और शिष्य की परंपरा जो है उन्हीं ऐसे आचार्यों के द्वारा जो अनुवादित ग्रंथ हैं उसी को पढ़कर इस ज्ञान को समझना चाहिए, इसलिए तब उसको अनुपश्यति कहेंगे। और जब ऐसे हम पढ़ेंगे तब हमें वेद, उपनिषद, पुराण, पंचरात्र, श्रुति, श्रुति और न्याय, श्रुति जो प्रमाण है, स्मृति प्रमाण है, न्याय प्रमाण है, इन सब में सामंजस्य दिखाई देगा,
अन्यथा आपको लगेगा कि एक पुराण में एक बात लिखी है, दूसरे में दूसरी बात लिखी है, यहाँ तो बहुत विरोध है, पर विरोध कहीं भी नहीं है। जो वेद है व्यास देव के द्वारा दिया गया है, तो उन्होंने बड़ी सावधानी से और बुद्धिपूर्वक इन ग्रंथों की रचना की है कि भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकार वाले लोग हैं इन ग्रंथों को पढ़कर अपने अपने स्तर से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो ईशोपनिषद, भगवद गीता, ये सब जो ग्रंथ है वहाँ पर हमें सार रूप में ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप अनेक ग्रंथ न पढ़ पाए तो कम से कम है ईशोपनिषद पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, तो वहाँ पर आपकी सब शंकाओं का समाधान हो जाएगा और आप देख पाएंगे कि कैसे हम कनिष्ठ अवस्था से मध्यम अवस्था से उत्तम अवस्था तक पहुँच सकते हैं। कनिष्ठ तक ही बने रहेंगे, हमारी श्रद्धा सिर्फ मंदिर में मूर्ति में ही रहेगी, तब तक हमारी ईश्वर की समझ भी बहुत कमज़ोर है। तो हमें मंदिर भी जाना है, गिरजाधर या गुरुद्वारा, जहाँ भी ईश्वर की चर्चा होती है वहाँ पर हम जा सकते हैं, पर हमारी समझ ये होनी चाहिए कि ईश्वर हर जीव में भी है और सभी जीवों का ईश्वर के साथ संबंध है, और उनके द्वारा दिए गए वेदी ग्रंथों का अध्ययन करके ही हम ईश्वर की पूरी पूरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। तो उन वेदी ग्रंथों में ईशोपनिषद प्रमुख एक है और भगवद्गीता भी प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसका आप अध्ययन कीजिए और इस प्रकार से आप है सब जीवों के प्रति प्रेम या स्नेह का संबंध है स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि आप हर वस्तु को ईश्वर के संबंध में देखेंगे और ईश्वर को हर जीव के हृदय में देख पाएंगे। तो इस प्रकार से ईशोपनिषद जो है हमें बहुत ही व्यवहारू मार्गदर्शन देता है कि जो व्यक्तिगत समस्याएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं का उपाय प्रदान करता है। तो बहुत सरल है ईश्वर के साथ अपने संबंध को जानने का, वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से आप देख सकते कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में भक्त है इस महामंत्र के द्वारा है, सब भेदभावों को भूलकर एक ही ईश्वर जो है परमेश्वर कृष्ण, तो उनके साथ अपने संबंध को जाने हैं, आप भी जान सकते हैं। आपका स्वागत है, हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।